Byju's The Learning App and Tuyam co-presents Breaking Point Indian Submariners. Co-powered by VIP Skybox, Woodland, Toyota and Vivo V9. ये है कंट्रोल रूम, सबमरीन का मेन पार्ट। यहीं से सबमरीन को कंट्रोल किया जाता है। Very good. Check all engine room parameters normal. Aye sir, check all engine room parameters normal. Very good. XO, are we ready for shutting the upper lid? Aye sir, ready for shutting upper lid. Very good. Engine officer, shut all blowers. Shut all blowers. Stop onto the blower. Second deck, stop onto the blower. Shut upper lid. अब सबमरीन से निकला नहीं जा सकता। हर हिस्से को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आप मेस एरिया में या अकोमोडेशन में नहीं जा सकते। आप पीछे की तरफ नहीं जा सकते, ना ही आप ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ बंद है। कंट्रोल पैनल लोअर सेट, वेंट सेट। इस लॉकडाउन के पीछे वजह क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। जय हिंद सर, ये हरमन है सर। गुड आफ्टरनून कमांडिंग ऑफिसर। गुड आफ्टरनून हरमन, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच सर। अभी यहाँ हम वैक्यूम टेस्ट कर रहे हैं, तो यही है कंट्रोल रूम। हाँ, ये कंट्रोल रूम है, सबमरीन का मेन पार्ट। यही सबमरीन का सबसे जरूरी हिस्सा है, यहाँ से हर चीज कंट्रोल होती है। तो ये वो जगह है जहाँ सब डिसाइड होता है। हाँ, ये सबमरीन का मेन पार्ट है। वाओ। चेक वैक्यूम। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछो। तो इस वक्त सबमरीन को चलाने के लिए क्या तैयारियां की जा रही है? अच्छा, इस वक्त सबमरीन डाइव करने के लिए तैयार की जा रही है, इसलिए हम एयर प्रेशर और वाटर प्रेशर को चेक कर रहे हैं। ऐसा करना जरूरी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस वक्त हम हाँ बहुत अच्छे, टेस्ट रोक दो। अभी थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग जाकर आवाज सुनना शुरू करेंगे कि कहीं हवा तो नहीं आ रही है। तो ये लोग खुद जाकर उसे सुनेंगे? हाँ, देखो अभी बिल्कुल शांति है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। मैं अभी अभी इंजन रूम से आया। अच्छा, वहां तो तुम बहरे हो गए होगे। इस वक्त मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा। तो अभी हम लोग आवाज सुनेंगे कि कहीं हवा बाहर से अंदर तो नहीं आ रही। सर, अगर आवाज ना आए तो इसका मतलब है वैक्यूम क्रिएट हो चुका है और इट्स ऑल गुड। सर, आप कितने समय से इस शिप के कैप्टन हैं? पिछले 13 महीनों से मैं इस सबमरीन का कमांडिंग कैप्टन हूँ। राइट सर, क्या आपको वो पहला दिन याद है जब आप यहाँ पर आए थे? हाँ, वैसे बचपन से ही मैं सबमरीन को लेकर बहुत एक्साइटेड रहता था। जब से मैंने नेवी ज्वाइन की तब से मुझे सबमरीनर बनना था। अब मुझसे ये मत पूछना कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर आपने इसके लिए वॉलंटियर क्यों किया? वही मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तो हम कह सकते हैं कि आप उन लोगों में से हैं जिनका जन्म सबमरीनर बनने के लिए हुआ है। तुम कह सकते हो, एब्सोल्युटली। और ऐसा नहीं है कि मैं ये तुमसे कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान तुमसे यही कहेगा। और तुमने तो देखा ही होगा कि यहाँ जगह कितनी कम है, यहाँ रहना कितना मुश्किल होता है। और ऐसा इंसान तभी करेगा जब उसके अंदर पैशन हो, नहीं तो वो कभी इस प्रोफेशन को चूज ही नहीं करेगा। बिल्कुल सर, समंदर के अंदर रहने से अच्छी फीलिंग और कोई हो ही नहीं सकती। समंदर में डाइव करना, दुश्मन के लिए तैयार रहना, और वो करना जिसमें तुम बेस्ट हो। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। वेरी गुड हरमन। यस सर, तुम अब ऊपर जा सकते हो और अपर लिड खोल दो और अपना काम जारी रखना सर। तो फिर हम तुमसे कल मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, मिलकर अच्छा लगा। कल मिलते हैं। बिल्कुल। मैंने आज यहाँ बहुत कुछ देखा, मैंने कई सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, लेकिन इस सीढ़ी को चढ़ने के बाद मुझे आखिरकार चैन की सांस मिली। हेलो, मेरे पीछे आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट।
यहाँ बहुत सी वॉरशिप्स हैं और मैं एक सबमरीन के ऊपर बैठा हूँ। ये एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा है। आज मैंने देखा कि लोग सबमरीन के अंदर कैसे रहते हैं। मैं बॉम्बे में बहुत कंप्लेन करता हूँ, कहता हूँ कि स्पेस नहीं है, यहाँ पर खचाखच लोग भरे हैं, लेकिन अब मुझे अचानक से ये बात समझ में आई है कि मेरे पास बहुत जगह है लाइफ में जिसे मैं आज तक समझ नहीं पाया था। लेकिन अब मैं सबमरीन में रहने के बाद ये जान गया हूँ कि कम जगह में रहना किसे कहते हैं। ये सबमरीन्स हमारे देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं और मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ वो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते होंगे। और सच में मेरे दिल में इनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। एक ऐसी जगह पर रहना और वो भी इतनी मुश्किलों के बीच, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। मैं पहली बार किसी सबमरीन में गया, वो भी ईस्टर्न कमांड के नेवल बेस में। मुझे लगता है कि मेरे डैड बहुत प्राउड फील करेंगे। उनका सपना था कि अपने बच्चों को यूनिफॉर्म में देखें, वो तो हुआ नहीं, पर ये देखकर आज उन्हें ज़रूर अच्छा फील हुआ होगा। मैं इस सबमरीन के ऊपर बैठा हूँ और कल हम पानी के नीचे जाएंगे। बस उसी का इंतज़ार है। हम पानी के नीचे जाकर देखेंगे कि ये क्या क्या कर सकती है। हाय हाय डैड, मेरी आवाज आ रही है? हाय हरमन, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ डैड। मेरी यूनिफॉर्म देखी आपने? कैसा लग रहा हूँ? हरमन, तुम बहुत लकी हो। थैंक यू, तुम्हें सबमरीन में जाने का मौका मिल रहा है। मेरे पीछे सबमरीन है, देखिए। हाँ हाँ, और तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, और मैं दिल से सबमरीनर्स की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं भी, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत टफ होती है। कल हम सेल करेंगे और मैं वो पहला सिविलियन हूँ जो सबमरीन में जाएगा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखना, एंजॉय योर सेल बेटा। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ डैड। मैं आर्मी में तो नहीं जा पाया, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आई लव यू टू डैड। मैं जैसे ही वापस आऊंगा आपको कॉल करूंगा। ऑल राइट, गुड लक, बाय। हाय गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वीर बाय डिस्कवरी पे, और आपको बदले में मिलेगा एक सैल्यूट।